देवप्रयाग में तो हम बचपन से ही देवप्रयाग में हैं। कहा जाता है कि पांडव लोग यहीं से जो है स्वर्गारोहण के लिए गए थे। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी दर्शकों का राउत ब्लॉग की तरफ से प्यार भरा नमस्कार देव भूमि उत्तराखंड से। तो दोस्तों, हम इस समय जोशीमठ में 9:25 हो चुके। काफी नींद लगी थी, थकान हो गई थी और हमारी आंखें भी देख रहे हो लाल हो गई, मिट्टी से धूल बहुत उड़ रही थी इधर। तो मैं इधर रुका हूँ इस होटल में। तो जोशीमठ में सर दोस्तों, मैंने इतना देखा जोशीमठ में जितने भी यहाँ मकान हैं बहुत दरारें आ रखे हैं, और इस बाथरूम के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी दीवारें दरारें आ रखे हैं, इसमें भी दरारें आ रखे थे, मगर ये अभी हल्का सा रिपेयर करगा। अंदर बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ रखी है जब जोशीमठ में यहाँ पर भूस्खलन हुआ था। तो दोस्तों, अभी जोशीमठ को खाली कराने को कह रहे हैं सरकार ने, तो बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ रखी हैं यहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी काफी के घर में दरारें पड़ी है। तो दोस्तों, बने रहना वीडियो में। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब कपड़ा वपड़ा पैक कर लेते हैं, अपना बैग सीमेंट लेते हैं, चलते धारी देवी की तरफ। बने रहना दोस्तों, जय माता की। तो 9:40 हो चुके हैं, अब निकल चुके हैं हम यहाँ से। देखिए दोस्तों, सुबह की धूप, मॉर्निंग की कितने खतरनाक धूप आ गई, तब लगता है अब गर्मी हो जाएगी। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से, ये गली है यहाँ से और ये सामने की तरफ रोड। देखिए दोस्तों, सुबह की धूप लगी है और सुंदर सा गाँव दिखे, प्यारा सा ये। और हमने उधर जाना है, उस तरह से चम्बली होके सीधा, और बड़े बड़े पहाड़ दिखे और ऊपर ग्लेशियर भी दिखे। इस समय मैं पहुंच चुका हूँ सीधा कर्ण प्रयाग के पास हूँ। सामने कर्ण प्रयाग है यहाँ पर, और ये नंद नगरी का दृश्य, यहाँ का सुंदर सा दृश्य यहाँ का आपको दिखाता हूँ दोस्तों। पहाड़ों से ये देखे दोस्तों, नीचे होटल भी बने पड़े हैं रहने के लिए, नदी में नहाने वालों के लिए। देखे दोस्तों, नंदनगरी का एरिया, बहुत बड़ा एरिया, और कर्णप्रयाग सामने है थोड़ा नज़दीक पे। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ इस समय कर्णप्रयाग पर, और ये कर्णप्रयाग देख रहे हो आप, पुल देख रहे होंगे जिससे हम वो उधर से आए, केदारनाथ की जो रोड, बद्रीनाथ की जो रोड जा रही है उधर की तरफ है। और ये संगम नगरी कर्णप्रयाग, बहुत सुंदर सा दृश्य है यहाँ का, बहुत प्यारा सा। नीचे से अपना गंगा जी बह रही है, ये देखिए दोस्तों सुंदर नज़ारा यहाँ से। और ये देखिए, अब हमने इस तरफ में जाना है। तो दोस्तों, इस समय मैं आ चुका हूँ अपना यहाँ पर रुद्रप्रयाग में, और आप पीछे देख ही रहे होंगे रुद्रप्रयाग की जो मार्केट है, ये सामने की तरफ रुद्रप्रयाग की मार्केट है। लगभग 1:33 हो चुके हैं, सुंदर नज़ारा यहाँ का। नीचे देखिए दोस्तों, पानी बह रहा है, देखिए रुद्रप्रयाग बहुत बड़ी मार्केट है, और क्या ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ का, फर्स्ट क्लास नज़ारा यहाँ का। और धूप भी कड़ाके की लगने लगी दोस्तों बहुत ज़्यादा, और कान हो गए एकदम सुन, बिल्कुल कान हो गए एकदम सुन, पता ही नहीं चल रहा है। तो हमने यहाँ पर पानी है, यहाँ पर धीरे धीरे से पानी आ रहा था, तो मैंने भर दिया बोतल में पानी पीने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा झरना है, जगह जगह पर झरना काफ़ी हैं। तो दोस्तों देखिए, रुद्रप्रयाग का बहुत ही सुंदर नज़ारा, मैं एक बार बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। सुंदर नज़ारा रुद्रप्रयाग का, खूबसूरत नज़ारा, धूप कितनी कड़ाके की लगी पड़ी है। और हम जब गए थे तो उस पुल से उधर से कोई गए थे, उस वाले रास्ते पे, जब हम केदारनाथ की तरफ गए थे वो पीछे से गए थे, और आते समय इधर से आए। ये देखिए दोस्तों, इस समय हम पहुंच चुके हैं धारी देवी पे जस्ट। तो काफ़ी देर से यहाँ पर बैठे रहे और भाजी के साथ बातें करते रहे। तो भाजी की तो यहाँ पर एक छोटी सी दुकान लगा रखी है, अपने प्रसाद और साथ जो भी ले सकते हो आप यहाँ पर आके, और अपनी गाड़ी भी यहाँ पार्किंग लगा सकते हो। भाजी ने यहाँ पर पार्किंग बना रखी है, ठीक मंदिर के गेट के आगे ही है, और हमारी भी बाकी पार्किंग में। तो भाजी का नाम जान लेते हैं, एक बार पूछ लेते हैं। भाजी क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम संजय सिंगेगी है जी, और मैं अगस्त की साइड का रहने वाला हूँ जी, तो केदारनाथ के क्षेत्र का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो दुकान आपने यहाँ लगा रखी है? जी हाँ, दुकान है। अच्छा, किराया पे है अपनी है? नहीं, दुकान किसी और के, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, आप काम करते हो जी? हाँ। अरे एक खास बात ये भी है, हमारे उत्तराखंड भाई बंधु का ना शौक, और भाजी हारमोनियम भी बजाती है, भाजी ने सुनाया अभी, तो मैंने कहा चलो, और भाजी बहुत गीत भी गाते हैं। भाजी हारमोनियम कब से बजा रहे हो आप? बचपन से शौक है, मैं भी बजाते रहता हूँ। कोई गीत गाया आपने? नहीं गाया तो नहीं है, बड़े छोटे छोटे बच्चों का, जैसे राम जन्मभूमि में थोड़ा बहुत गाया है। जब आप भारी देवी में आए थे, भारी के भारी देवी का थोड़ा दो लाइन सुनाऊंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भगवती तू धनी वे जय,
बुद्ध जल फूले माजी बुद्ध जल फूल चरण चढ़ी माजी हम है भूले भगवती तू धनी जी। मैं सब लोग निवेदन करूंगा कि भाई साहब की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ऐसे कलाकारों को आगे बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धारी देवी का गेट अब यहाँ से इंटर अंदर करना हमने। जय माता दी। और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ भी आ रखे हैं धारी देवी पे। चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ। ये है धारी देवी का गेट, ये रहा, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों हम भी पहली बार माता का दर्शन करने आए हैं यहाँ पर धारी देवी पे। ठीक आप देख रहे हो नीचे पानी के ऊपर माँ का मंदिर है धारी देवी का। और एक भी है, एक बार बैक कैमरा से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों धारी देवी, जय माता। ठीक पानी के ऊपर है माता के मंदिर। सरकार लोग काफ़ी आ रखे, काफ़ी भीड़ हो रखी है। सामने धारी देवी गांव, ये सरकार लोग भगत आई जा रहे हैं माता का दर्शन करके। काफ़ी दूर दराज से आ रखे लोग, और कोई केदारनाथ कोई बद्रीनाथ जा रहे होंगे माता का दर्शन करने के बाद। जय धारी देवी। तो दोस्तों ये है रास्ता नीचे जाने का, सीधा ये इसके ऊपर से बढ़िया बना रखा है। और अब जा रहे हैं नीचे की तरफ माता के दर्शन करने के लिए। जय माता दी। और श्रद्धालु आ ही रहे हैं और जय माता दी कहते जा रहे हैं। और देखिए दोस्तों रास्ता बहुत ज़्यादा। जय माता दी। ये है मार्केट धारी देवी के ऊपर, प्रसाद उरसाद यहाँ पर सारे मिलते हैं। और देखिए दोस्तों फूल माला होना, दुकानें काफ़ी सजी हैं यहाँ पर। नीचे जाने का रास्ता 1 किलोमीटर कम से कम होगा रोड से नीचे आने का। ये देखिए गेट, यहाँ से जाने का रास्ता सीधा पुल है, पुल से जाने का रास्ता है माता का दर्शन करने का। ये देखिए दोस्तों यहाँ से सीधा अंदर की तरफ है रास्ता। देखिए दोस्तों यहाँ से जाने का रास्ता बहुत बढ़िया बना रखा है। बारिश से भी आदमी भीगेगा नहीं। ऊपर से टीन शेड बना रखा जाने का। जय माता दी, जय हो जय हो। तो पुजारी जी से भी बात करेंगे, पुजारी जी यहाँ के जानकारी देंगे तो ज़रूर बात करेंगे उनसे। तो ये है मंदिर का गेट, यहाँ से सीधा ऊपर जाने का धारी देवी जाने का। ये देखिए ऊपर जाने का रास्ता सीधा, आप देखिए पीछे साइड में। ये देखिए भक्ति गुरु आ गए हैं माता के दर्शन करने के लिए। ये देखिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये मंदिर और यहाँ से ऊपर आने का रास्ता, ये सामने की तरफ से धारी देवी की। ये पहुँच चुके हैं मंदिर के गेट पर। जय धारी देवी की, धारी देवी मंदिर। जय हो। काफ़ी आ चुके हैं यहाँ पर प्रवेश द्वार अंदर जाने का। जी से पूछ लेता एक बार, बड़े जी क्या नाम आपका? लक्ष्मी प्रसाद पांडे, पुजारी धारी देवी। अच्छा कहाँ से हो आप? यही पुजारी हैं। अच्छा धारी देवी से ही? बस कई सौ सालों से हैं, 500 सालों की पीढ़ी हमारे यहाँ की है अभी। आप धारी देवी के बारे में कुछ जानकारी देना। ये धारी देवी क्यों कहा जाता है आपको उसके बारे में बता दूँ, जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि धारी देवी कोई देवी देवताओं का नाम नहीं है, ना काली सहस्त्र नाम में, ना दुर्गा सहस्त्र नाम में, किसी भी उसमें धारी देवी। धारी गांव सामने आप देख रहे हैं, ये धारी गांव के नाम से इनका नाम धारी देवी उपनाम पड़ा है। और धारी गांव जो है द्वापर से है, ये द्वापर कालीन गांव है। और उन्होंने भी माँ की पूजा अर्चना की थी, कहते कि माँ स्वयंभू है, ये दक्षिण काली है। माता आपने सुना होगा कि माँ काली मठ काल शिला में माँ का अवतार होता है। और इस श्री वहाँ दुष्टों का असुरों का वध करते हुए इस श्री क्षेत्र में आकर के भोलेनाथ उनको यहाँ पर शांत कर देते हैं, काली से कल्याणी होते हैं। कल्याणी हमारे पास इनका जो नाम है, ताम पात्रों में इनका नाम कल्याणी है। कल्याणी कब होता है? जब माँ शांत हो जाते हैं, काली माँ। कलियासौड़ इनके नाम से आप जहाँ से आए हैं, इस जगह का नाम कलियासौड़ है। कलियासौड़ का मतलब काली जी का निवास। स्वयंभू मूर्ति है, दक्षिण काली है, दक्षिण काली मैंने आपको बोला है। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर इस समय माँ अलकनंदा के ऊपर है। यहाँ पर जो है पहले माँ नीचे चट्टान के ऊपर रहा करती थी,
30 मीटर नीचे एक चट्टान हुआ करती थी जिसमें माँ विराजमान थी। यहाँ पर जल विद्युत परियोजना का कार्य चला, 200 मेगावाट का बिजली का प्रोजेक्ट था जिसको कि यूपीए सरकार के द्वारा 330 कर दिया गया, जिसमें कि वो क्षेत्र डूब में आ गया। हम लोगों ने बहुत विरोध किया कि यहाँ मंदिर उठाने का बहुत विरोध किया, लेकिन सरकार नहीं मानी, कंपनी नहीं मानी। और देर 16 जून 2013 को आपको पता है उसी दिन मूर्ति को ऊपर लाए थे, 2 घंटे बाद महाप्रलय आ गई थी हैं? और नीचे का हमारे पूरे हजारों लाखों घंटे आदि सब बह गई, धर्मशालाएँ थी सब बह गए, और कम से कम 2,000-2,500 आदमियों के खाना खाने का बर्तन थे। भागवतें होती थी, देवी भागवत होती थी, शिव पुराण हुआ करते थे, बड़ी संख्या में लोग आते थे, सब जलमग्न हो गया। फिर 2014 में जिस सरकार ने छेड़ा करने की, माँ ने उसको 14 में उसको सबक सिखा दिया। नई हमारी सनातनी सरकार आई जिनके अथक प्रयासों से उसी जगह पर उसी चट्टान पर पुनर्निर्माण करते हुए माँ को ठीक साउल में 25 मीटर ऊपर विराजमान किया। उससे पहले माँ 10 साल यहाँ टेम्परली स्थान में थी, जो कि कॉलम में लेंटर डाल के रखा गया था, जो कि हमारे सनातन हिसाब से कोई भी मूर्ति जब तक उसको पृथ्वी का अटैचमेंट नहीं मिलेगा तब तक उस पर विशेष पावर नहीं आती। इसलिए अब पिछले साल 28 जनवरी 2023 को माँ यहाँ पर विराजमान हुई हैं, और तब से जो है भक्त लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, पहले से काफ़ी अधिक में भक्त लोग यहाँ पर संख्या में आ रहे हैं। तो दोस्तों, धारी देवी के भी दर्शन हो चुके हैं, और अब सुबह से खाना पीना नहीं खाता तब खा लेते हैं, 4:30 भी बज चुके हैं। तो अब जाते हैं हम श्रीनगर की तरफ, श्रीनगर में ही भोजन करेंगे, यहाँ पर देखते हैं अगर यहाँ पर मिल गया तो यहीं पर करेंगे, नहीं तो चलते हैं दोस्तों श्रीनगर की तरफ। तो आप देखिए, तो आपको कैसे लगी दोस्तों वीडियो कमेंट में के माध्यम से बताना, धारी देवी के मंदिर कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखना, और अधिक से अधिक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलते हैं, मिलते हैं दोस्तों कहीं और चलते हैं। तो दोस्तों, धारी देवी के भी दर्शन हो चुके हैं, और हमने यहाँ पर भाजी की दुकान से पी लिया नींबू पानी, बहुत अच्छा बना रखा था भाजी ने यहाँ पर नींबू पानी। भाजी किस नाम से दुकान है आपकी? आइस जूस कॉर्नर के नाम से। अच्छा, और भाजी के यहाँ पर ना ब्रांस के जूस, हमारे जो पहाड़ी ब्रांस, ये ब्रांस का जूस हो गया है। और भाजी ये क्या है ये वाला? ये देखिए दोस्तों, आंवले का जूस, और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और ब्रांस का जूस तो ज़्यादा सेहत के लिए भी हो गया है, और बीमारी को भी, रोग को भी काटता है। ये कह रहे हैं क्या क्या रोग काटता है ये? हार्ट के लिए बहुत बढ़िया, हार्ट के लिए। और किस चीज़ की बढ़िया है? ब्लड बढ़ाता है शरीर में। अच्छा, एनर्जी लाता है। अच्छा, एनर्जी भी लाता है। ये देखिए दोस्तों, अब बाजी की दुकान सिर्फ धारी देवी के ऊपर है, और ये है लीची का जूस, ये लीची का जूस है, सारे पानी है। इसमें क्या है ये? मसाला नींबू पानी का। कैसा एक बार दिखाना, कैसा मसाला ये, कौन सा वाला है, कितने का ये? 60। अच्छा, ये घर से बना हुआ क्या? अच्छा, बाजार में चाट मसाला ये। अच्छा अच्छा, ये चाट मसाला हो गया। और ये क्या है, इसमें कौन सा जूस है? नारंगी है ये? मैंगो है। मैंगो? अच्छा, मैंगो, ये मैंगो जूस है। अच्छा अच्छा, मैंगो जूस हो गया। अरे ये ब्राउन उसका है, मौसमी? अच्छा, ये और मौसमी का जूस है। बहुत सारे जूस रखे भाजी ने यहाँ पर। तो दोस्तों, बने रहना वीडियो में, अभी और कहीं दिखाते आपको जब भी जितना भी टाइम रहता है, तभी यहाँ से चलते हैं श्रीनगर की तरफ। ये है भैरव बाबा के मंदिर, ये जो दिख रहा है आपको भैरव बाबा का मंदिर। निकलते हैं, 4:30 बज गए, और सुस्ती भी बहुत ख़तरनाक हो रही थी, नींद आ रही बहुत तगड़ी। तो दोस्तों चलते हैं, अब कहाँ रुकने का ठिकाना बनता है देखते हैं। श्रीनगर का एरिया है सारा, पूरा एरिया श्रीनगर का। ये देखिए, आप देख रहे हो पीछे, सारा श्रीनगर का एरिया वो पीछे तक है दोस्तों, बहुत बड़ा एरिया है। दोस्तों इस समय हम कीर्ति नगर पे, और यहाँ पर खाना पीने की व्यवस्था कर रहे हैं भाई साहब ने, बहुत बढ़िया। ये सामने देख रहे हो आप, कीर्ति नगर है, बहुत बढ़िया लोकेशन पे है यहाँ पर। आप देख रहे हैं नीचे की तरफ जमुना जी का पानी गिर रहा है, नीचे की तरफ नदी भी है नीचे सामने के कीर्ति नगर। इसके बाद आएगा देवप्रयाग, तो देवप्रयाग ऐसा कम से कम 12-13 किलोमीटर के आसपास होगा। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था कर रखी भाई साहब ने,
और ये देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया कर गए। मैं हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, ये देखिए दोस्तों जहाँ पर दो गंगा का मिलन होता है। ये सामने ठीक पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे पेड़ के पीछे, ये है देवप्रयाग। और शाम के बज चुके हैं 6:30 और यहाँ सर इसके 60 किलोमीटर के आसपास है। सुंदर नज़ारे यहाँ से देवप्रयाग का है दोस्तों। नीचे नीचे यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों गंगा का मिलन यहाँ पर होता है, आप देख रहे होंगे। सुंदर नज़ारा है। मैं समय हूँ देवप्रयाग पे और अब चलने की हिम्मत नहीं है, बस की बहुत थकान सा हो गई है। तो माँ धारी देवी की फैमिली ढाबा यहाँ पर भाई ने मुझे कमरा मिल गया हमें, तो अब कमरा देख लेते हैं यहाँ के। नीचे की तरफ कमरा है यहाँ पर और अब यहाँ पर बाइक लगा रखी मैंने, बाइक को लेके जाता हूँ सीधे नीचे की तरफ। और भाजी से कुछ बात, तो भाजी के बद्रीनाथ में भी होटल है तो वहाँ पर बता रहे थे, तो मिलते हैं अभी भाजी से मुलाकात करते हैं नीचे। तो मैं हूँ इस समय देवप्रयाग में और भाजी का यहाँ पर होटल है, बहुत बढ़िया होटल है, धारी देवी के यहाँ पर ढाबा है लिखा है। देवप्रयाग से जस्ट आगे आओगे दिल्ली की तरफ तो यहीं पर होटल है भाजी का। भाजी का नाम पूछ रहे थे, भाजी क्या नाम आपका? गुणानंद कोटियाल। अच्छा, अब गांव का नाम चापक? गांव तो मेरा है कोटी गांव है। कोटी गांव है, कोटियाल लोग हैं हम। अच्छा, कोटियाल लोग हैं। अच्छा, कितने साल हो गए देवप्रयाग में आपको? यहाँ पर दो नदी है, इन नदियों के सहारे जी रहे हैं। अच्छा, ये पवित्र स्थान है। पहले यात्रा यहीं से शुरू होती थी जी। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा है। अच्छा, भागीरथी अलकनंदा, अलकनंदा ये दोनों नदी जब मिलती है तब इसका नाम गंगा पड़ता है। अच्छा, गंगा का उद्गम स्थान यही है जी। वैसे गंगा नाम जो जिसका पड़ा वो देवप्रयाग से ही पड़ा जी। और इसमें पहले यहाँ देवप्रयाग से यात्रा तो गंगोत्री यमुनोत्री के लिए शुरू होती थी जी। वो देवप्रयाग से होती थी जी। हरिद्वार इसका द्वार है, दरवाजा। देवस्थान देवप्रयाग से शुरू होता है। अच्छा, देवस्थान जो हम बोलते हैं जी, हम देवस्थान की रहने वाले उत्तराखंड की रहने वाले जी, वो देवप्रयाग से उसका नाम स्टार्ट होता है। और यहाँ पर पितरों को पानी देने से पितृ यहाँ पिंडदान भी होता है। हाँ, होता है बिल्कुल। तो सबसे पहले जो है गया जी में होता है, गया जी के बाद देवप्रयाग जी, और देवप्रयाग के बाद बद्रीनाथ जी। ये तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ है, धामों में बद्रीनाथ है जी। तो इस जगह पे रुकने, रात्रि रुकने का बड़ा भारी महात्मा है और संगम पे नहाने का बड़ा भारी महात्मा है जी। इस बात पे हम तो एक गोविंद सेवा सदन इसी के लिए, लोगों ने तो नीचे में खोदी जमीन, कोई देन चले गया, कोई कुछ चले गया, कोई कहीं ले लिया, कोई हमने जो पैसा लगाया यही लगा दिया। अच्छा, जो कमाया जीवन भर जी। इस बात ऐसे नहीं कि हमको कोई पैसे से कोई लोभ है जी जी, और वो भी सेवा के लिए। ठीक है, इतने सस्ते रेटों पे देता हूँ जी कि मैं कहता हूँ साधुओं के लिए अलग से बना रखा मैंने कि साधुओं के लिए फ्री है, भोजन फ्री है। अच्छा, हाँ, इस वास्ते इसका नाम गोविंद सेवा सदन रखा है। अच्छा, भगवान के नाम पे। और बाजी का होटल पर जरूर आया और बहुत सस्ते रेट मिल जाएंगे आपको, और साधु संतों के लिए तो बाजी ने बताया दिया फ्री है। अच्छा बाजी, एक चीज बताओ, जब नागराजा की पूजा होती है तो सबसे पहले कढ़ाई यहाँ देवप्रयाग में कटी जाती है, उसका क्या महत्व है? देवप्रयाग में देखो ऐसा है, ये जो स्थान है ये सुदर्शन क्षेत्र है जी। सुदर्शन क्षेत्र माने भगवान का स्थान जी। और भगवान के स्थान का मतलब ये है कि नाग जो शेष नाग है शेष नागों के शेष नाग, नाग राजा का मतलब क्या है? नागों का राजा शेष नाग। शेष नाग, अच्छा। तो शेष नाग सुदर्शन क्षेत्र, उसके ऊपर जब कभी प्रलय होगा जी, जब कभी प्रलय होगा तो शेष जी ये अपने सुदर्शन चक्र को इस स्थान को ऊपर उठा देंगे। अच्छा, इस वास्ते उसकी कढ़ाई इस वास्ते कटती है। अच्छा, यहाँ भोग लगा जाता है ना? हाँ। अच्छा अच्छा, तो देखो दोस्तों, क्योंकि मुझे तो ये एक बात याद था ना, जब मैं सीम यात्रा गया था तो मुझे याद था कि मैं देवप्रयाग में रुका था, मुझे वही जगह याद आ गई। तो काफी सालों बाद मैं यहाँ आया, तब भगवान की इच्छा होगी तो दोबारा हम सीम जाएंगे और फिर यहीं पर देवप्रयाग में मिलेंगे और भाई सभी जरूर मुलाकात करेंगे, दोबारा आएंगे तो यहाँ पर रुकेंगे। अगर बाद में वहाँ गए, उसे वहाँ क्या कहते हैं, सेम मुकेम जी, पहले उनका जो पर्वत है जो जी, वो यहीं से दिखता है। अच्छा, सेम जी का मंदिर भी यहाँ से दिखता है इस जगह से। अच्छा, दिख जाता है? हाँ, कहाँ से दिखता है ये? यहीं पर जहाँ पर आप खड़े होंगे वो पहाड़ जो है, शाम को दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ, तो मंदिर भी दिखेगा सेम जी का। अच्छा, शाम को दिख जाएगा? हाँ। अच्छा, सुबह को दिखता है? अच्छा, दिखता है। चलो, बादल लगा हुआ है। तो दोस्तों, मैं आज रात यहीं पर रुका हूँ भाजी के यहीं पर,
तो मैं रात का नाइट व्यूज यहाँ देव प्रयाग का जरूर दिखाऊंगा आपको, और बने रहना दोस्तों वीडियो के साथ। वीडियो को परशुराम जी ने भी यहाँ तपस्या की, रामचंद्र जी ने तो की है, परशुराम जी की तपस्थली भी है ये। अच्छा, रामचंद्र जी ने भी करी यहाँ? हाँ, तो भरत जी ने की ऋषिकेश में। अच्छा, भरत ने ऋषिकेश में, और लक्ष्मण जी ने की लक्ष्मण झूला में। अच्छा, जब उन्होंने अब चौथी अवस्था में घर छोड़ देते थे, हाँ, तो फिर वो जहाँ अपने लड़कों को राजपाट दे करके, और रामचंद्र जी ने यहाँ पर तपस्या की। अच्छा, और रामचंद्र जी ने चंद्रशिला में भी करी थी ऊपर। हाँ, तो वहाँ से यात्रा करके आए थे ना नीचे को। अच्छा, पहले बद्रीनाथ यात्रा करके आए, फिर वो यही रह गए। अच्छा अच्छा, चलो भाई जी ने बहुत जानकारी दे दी, वीडियो हम लंबी बना नहीं सकते, यहीं पर वीडियो को करते हैं, मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में। दोस्तों नाइट व्यूज देखिए रात का, यहाँ पर देवप्रयाग का बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ का, जहाँ पर दोनों गंगा का मिलन होता है, और भाजी ने इसके बारे में बता तो दिया है, बाकी मुझे हम जानकारी देने। और सामने जो दिख रहा है वो क्या है, संस्कृत विद्यालय, संस्कृत यूनिवर्सिटी। हाँ, जो दिखा है सामने दिख रहा है, संस्कृत विद्यालय सेंटर, सेंटर संस्कृत यूनिवर्सिटी। आप देख रहे हो कितना सुंदर नज़ारा है देवप्रयाग का, वहाँ मन खुश हो गया। मतलब कितने सालों से मैं आ रहा हूँ देवप्रयाग में, बहुत 15-16 सालों के बाद देवप्रयाग के दर्शन दोबारा मुझे रात को, और आज मेरे को बहुत थकान हो गई दोस्तों, और आज मैं यहीं पर रुक गया। तो ये है नाइट व्यूज देवप्रयाग का, तो दोस्तों वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। रामकुंड एक मिनट, ये परशुराम की तपस्या भूमि नीचे, रामकुंड ये सबसे नीचे ये दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ ये है रामकुंड, ये है देवप्रयाग का नज़ारा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।